ऐसी कार चाहिए जो आप 90% ऑफ द टाइम सिटी में भी चला पाएं, एंड थार रॉक्स इज वन सच एपिक कार। कार में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं बहुत ही ज़्यादा मैसिव लगते हैं इस कार में। इवन जो हमने शोरूम में 18 इंच की, जिसकी आप यहाँ पे क्लिप्स भी देख रहे होंगे वीडियो में, वो भी देखी, वो भी काफ़ी मैसिव टायर्स थे। और जो इन्होंने लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है महिंद्रा ने रिसेंटली, और जो थार रॉक्स आई है वो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी गई है जो इनका नया लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी आया है। गुरखा बहुत लोग कहेंगे गुरखा बहुत अच्छी कार है, बहुत लोग कहेंगे जिमनी इज मच मोर केपेबल ऑफ रोड कार, बट मेरे को ऐसा लगता है 644 लीटर्स बहुत ज़्यादा है। मतलब लिटरली मेरे फ्रेंड इस कार में बैठे थे, मतलब पूरा बैठ गए थे अंदर तक, और ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल डिक्की में बैठ के। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आई एम रियली क्लोज टू रीचिंग द 1000 सब्सक्राइबर मार्क, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप वो बटन दबा देंगे एंड मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने में हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शेख खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नई वीडियो। रिसेंटली हमने चलाई द ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। 5 डोर में आ चुकी है महिंद्रा थार और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव करी है। जो एक इम्प्रैक्टिकल 3 डोर थार रहती थी, मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने विद इन 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स निकाल दी थी ये कार, उस कार को प्रैक्टिकल बना दिया गया है। 5 डोर होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू द 3 डोर थार, और कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं या फिर डिग्रेड हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू द 3 डोर थार। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या अच्छा नहीं है, कंफर्ट कैसा है गाड़ी का, सेफ्टी कैसी है, एक एक चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस ऑल माइटी थार के एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो आपको फ्रंट पे काइंड ऑफ एक सिमिलर डिज़ाइन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द 3 डोर थार। जो चेंजेस आपको मेजरली देखने को मिलेंगे वो आपको ADAS लेवल 2 कैमरा मिल जाएगा ऑन द विंडशील्ड, 360 डिग्री कैमरा आपको ग्रिल में मिल जाएगा। इनकी जो ग्रिल है वो एक 6-स्लॉट ग्रिल है जो कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए बनाई गई है एज़ कम्पेयर टू द 3 डोर थार, और ये डिज़ाइन एलिमेंट कहीं ना कहीं जीप से रिजेंबल करता है और काफ़ी ज़्यादा कूल और अच्छा लगता है। इसको अगर कॉन्ट्रास्ट में दे देते एज़ कम्पेयर टू द बॉडी कलर ऑफ दी थार तो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस लुक हो जाता है इस थार का। बट एनीवेज, फ्रंट लाइट्स की बात करें तो सी शेप LED लाइट्स मिल जाती हैं आपको इस कार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू द हैलोजन हेडलैम्प्स जो पिछली थार में आते थे। तो LED लाइट्स, ऑल डे रनिंग हेडलैम्प्स हैं, एंड LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं इस कार में। आपको नीचे की तरफ बम्पर में ADAS सेंसर्स भी मिल जाते हैं, ऑल दो ये बहुत इजीली आपको दिखेंगे नहीं कहाँ पर हैं रेडार्स एंड सेंसर्स। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो आपको इस कार में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं बहुत ही ज़्यादा मैसिव लगते हैं इस कार में। इवन जो हमने शोरूम में 18 इंच की, जिसकी आप यहाँ पे क्लिप्स भी देख रहे होंगे वीडियो में, वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव थे, और जो 19 इंच के अलॉयज थे जिसमें हमने टेस्ट ड्राइव ली थी कार की, वो और भी ज़्यादा मैसिव थे, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिल रही थी। इसके अलावा बात करें तो आपको सिमिलर क्लैडिंग मिल जाएगी जैसे आपको टायर्स के ऊपर मिलती है, डोर्स के नीचे आपको प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, जो कि पुरानी थार में भी मिलती थी और इस थार में भी मिलती है। इसी के साथ साथ आपको थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाएगी जगह जगह पर, ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऑन द बैक ऑफ द टायर, हर जगह पर थार रॉक्स लिखा दिख जाएगा। बात करें अगर सी पिलर की तो ये पिछली थार की तरह स्ट्रेट नहीं है, एक एंगुलर काइंड ऑफ डिज़ाइन है जिसपे विंडो कट हो रही है, एंड आपको ड्यूअल यू नो डिज़ाइन मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और एक अलग ही एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है इस कार को। सो दैट इज़ अ थिंग दैट महिंद्रा हैज़ डन वेरी वेल। इसी के साथ साथ अगर बात करें, आपको साइड स्टेप मिल जाएगा गाड़ी के अंदर और बाहर ईजिली आने जाने के लिए, एंड आपको साइड मिरर्स के साथ साथ एक कैमरा मिल जाएंगे। जब आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देंगे तो आपको अपनी स्पीडोमीटर पे दिख जाएगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या हलचल है, कौन सी कार्स आ रही है, बाइक्स आ रही हैं एट्सेट्रा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो रूफ आ रहा है इस कार में वो मेटालिक रूफ आ रहा है, एंड आपको साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा जो इनका कन्वर्टेबल थार वाला एडिशन होता था जिसमें आप रूफ को हटा सकते थे, वापस लगा सकते थे, वो हट गया है इस कार से। अब आपको कन्वर्टेबल थार या एक ओपन रूफ थार नहीं मिलेगी 5 डोर में, 3 डोर में आप अभी भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको डोर्स में रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं मिलते हैं,
ऑल दो ये 20 लाख प्लस भी चली जाती है कार, जो बेस मॉडल है वो 15-16 लाख का आता है और जो टॉप मॉडल है वो 25 लाख प्लस पे आ जाता है। तो गौर करने की बात यह है, रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं है इवन ऑन द टॉप मॉडल्स। अब अगर हम रियर की तरफ चलें तो आपको बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस थार। चेंजेस आपको ये देखेंगे कि आपको जो लाइट्स हैं वो एलईडी में मिल जाएंगी, पिछले वाले में हैलोजन लाइट्स होती थी, इसमें आपको एलईडीज मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको टायर के अंदर एक कैमरा दिख जाएगा, ये नोटिस भी नहीं कर पाएंगे आप, इतने अच्छे से इन्होंने फिनिश किया हुआ है। आपको सिमिलर माउंटेड टायर मिल जाएगा ऑन द रियर, जिस तरीके से बूट खुलता है वो भी सिमिलर है, जैसे आपका पहले नीचे से बूट खुलेगा एंड उसके बाद आप ऊपर विंडो खोलेंगे, तो वैसे ही जैसे 3-डोर थार में आपका पीछे बूट खुलता था वैसे ही 5-डोर थार में भी खुलता है। गौर करने की बात यह है, 644 लीटर्स का बूट स्पेस आ गया है इस कार में। जी हाँ दोस्तों, 644 लीटर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली मेरे फ्रेंड इस कार में बैठे थे, मतलब पूरा बैठ गए थे अंदर तक और ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल डिक्की में बैठ के। तो अगर आप कैंपिंग पे जाते हैं तो आप डेफिनेटली पीछे वाली साइड पे बैठ के उसके नीचे जो बम्पर है उस पर चाय या मैगी रख सकते हैं और आप दो लोग आराम से उधर बैठ के खा पी सकते हैं, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई और नहीं बताता, हम आपको बता रहे हैं, आप चाय मैगी खा सकते हैं कैंपिंग करते हुए, बम्पर पे चाय रखिए मैगी रखिए और मस्त अपना एंजॉय करिए। तो अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। इस कार में आपको मिक्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलर मिल जाएगा, जो वाइट कलर है उसमें आपकी सारी सीट्स होंगी, जो आपके डोर्स हैं एंड बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वाइट कलर में रहने वाले हैं, और आपको ब्लैक कलर में इसका जो स्पीडोमीटर है, इंफोटेनमेंट है, जो एसी कंट्रोल्स के बटन हैं, रेडियो कंट्रोल्स के बटन हैं, वो सारे ब्लैक कलर में होने वाले हैं। तो जो डैशबोर्ड के ऊपर का हिस्सा है एंड जो बीच में आपका गियर बॉक्स और जो कप होल्डर्स वगैरह रहते हैं, चार्जर चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं, वो सारे ब्लैक कलर में होने वाले हैं। और जो सीट्स हैं आपकी, जो रूफ है, वो सब में आपको वाइट कलर का मिल जाता है फैब्रिक। सीट्स की बात करें तो आपको लेदराइट डिज़ाइन में सीट्स मिल जाती हैं जो कि वेंटिलेटेड रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एरी और स्पेशियस हैं सीट्स, आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। इंटीरियर्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जिस तरीके से इसका जो लेआउट है पूरे इंटीरियर्स का, डैशबोर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरीके से इसमें टॉगल स्विचेस दिए गए हैं वो काइंड ऑफ एक कॉकपिट लाइक डिज़ाइन में आपको लगते हैं, वो टॉगल स्विचेस जो आप ऊपर नीचे करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एलिमेंट लगता है मेरे को। इसी के साथ साथ जो एसी कंट्रोल्स हैं, जो रेडियो कंट्रोल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उनको यूज़ करने में। सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट महिंद्रा हैज़ डन इन दिस पर्टिकुलर कार। ऑफकोर्स पिछली थार से कैरी ऑन किए गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें इन दिस पर्टिकुलर थार एज़ वेल। जो एक चीज़ में मेरे को डाउट आ रहा है बहुत लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आपके वाइट इंटीरियर्स हैं, जो आपकी सीट्स हैं, रूफ है वाइट है, और आप कार को ले जाते हैं ऑफ रोड करने वीकेंड्स पर, या कभी भी आप जाते हैं ऑफ रोडिंग करने, तो बेसिकली मिट्टी होगी, कीचड़ होगा, आप अगर उतरते हैं, चढ़ते हैं वापस सीट में एंड वापस आते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं वो वाइट सीट्स गंदी होने का डर हमेशा रहेगा। वो वाइट सीट्स मेंटेन करना इज़ क्वाइट टफ। मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास वाइट इंटीरियर्स में कार है, बिलीव मी व्हेन दे से दिस कि वो मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी टफ, उसमें धूल मिट्टी जम ही जाती है और चेंज करवाने पड़ते हैं इंटीरियर्स। सो वो कुछ डिबेटेबल चीज़ है, अगर आप ऑफ रोडिंग करने वाले हैं आप डेफिनेटली आप चाहेंगे सीट कवर्स लगवाना, और वाइट जो इंटीरियर्स हैं डैशबोर्ड के नीचे हिस्से पे, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है काफ़ी सारे बायर्स के लिए। तो अब चलते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है इसका इंजन एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मैनुअल पेट्रोल, जो कि रियर व्हील ड्राइव में ही आता है, टू व्हील ड्राइव है पेट्रोल में। डीजल में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, अगेन इन द रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन एंड द ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। अगर आपको 4x4 चाहिए तो डीजल के लिए ही जाना पड़ेगा, पेट्रोल में नहीं जा सकते आप। एंड अगेन इनमें आपको पेट्रोल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ जो टॉप मॉडल है इसका, 2.2 लीटर डीजल इंजन, हमने ऑटोमेटिक में चलाई थी, टॉर्क कन्वर्टर जो वेरिएंट था उसमें आपको मिल जाती है 172 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस गियर बॉक्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था गियर बॉक्स, बीच बीच में थोड़े थोड़े झटके फील हो रहे थे जब मैं मैनुअली ऑटोमेटिक से मैनुअल शिफ्ट कर रहा था और गियर्स को प्लस माइनस खुद से कर रहा था, तब मेरे को झटके फील हो रहे थे मैं बहुत ज़्यादा जब खींच रहा था। ऑल दो अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात करूँ, अगर सिटी में हम ड्राइव कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्मूथली कर रहे थे। जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लाइट फील हुआ,
हमने 70-80 तक की भी स्पीड्स टच करी। हम सिटी में थे, हम बहुत ज़्यादा स्पीड्स पर तो नहीं जा पाए, तो 75-80 तक की स्पीड्स हमने टच करी। और मैंने देखा कि इसका स्टीयरिंग, ऑल्दो इट वॉज डायरेक्ट, आपको पता लग रहा था आप कहाँ जा रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि जो पावर स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया गया है। स्पीड के साथ बिल्डअप जैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग व्हील का जो वेट था वो बढ़ना चाहिए था, जो कि मेरे को लगा मिसिंग था इस कार में। सो वो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे को लोअर लगी एज़ कम्पेयर टू द 3-डोर थार। उसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, मेरे फ्रेंड के पास है और मैं वो कार चलाता हूँ, तो जो माचो फीलिंग आती है कार चलाने से वो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा आती है बिकॉज ऑफ द हैवियर स्टीयरिंग, और इट इज़ मोर डायरेक्ट, यू फील मोर कनेक्टेड विद द कार। 5-डोर थार में उस स्टेयरिंग व्हील वाली चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी कमी लगी, बट अगर मैं इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करूँ, इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी लगी मेरे को। जिस तरीके से मेरे को रिफाइंड इंजन लगा, जो डीजल इनका इंजन था वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महिंद्रा थार रॉक्स में इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन आएगा। जो इसका सस्पेंशन सेटअप था, दैट वॉज ऑल्सो मच बेटर एज़ कम्पेयर टू द 3-डोर थार। इन्होंने लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है महिंद्रा ने रिसेंटली, और जो थार रॉक्स आई है वो उसी प्लेटफॉर्म पे बनी गई है जो इनका नया लैडर ऑन फ्रेम टेक्नोलॉजी आया है, जिसको ये 4th जेन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन था। जैसे कि पुरानी थार में आपको एक एक टायर में क्या हलचल चल रही है, कहाँ पे पत्थर आ रहे हैं, कहाँ गड्ढे आ रहे हैं, एक छोटी से छोटी वाइब्रेशन भी फील होती थी। इस कार में ऐसा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, ग्लाइड कर रही थी गड्ढों से। थोड़े से फील होते हैं, ऑफ कोर्स लैडर ऑन फ्रेम शैसी है तो कहीं ना कहीं मोनोकॉक शैसी को नहीं मीट कर पाएगा, बट काफ़ी हद तक जो पुरानी थार है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन था ये थार का। सो अगर आप थार लेना चाह रहे हैं तो ड्राइविंग में और इंजन परफॉर्मेंस की में अगर बात करें तो 2.2 लीटर इंजन मिल रहा है। सो आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं होने वाली है इन द 4 व्हील ड्राइव वर्जन। ऑफ कोर्स अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, लद्दाख मनाली जा रहे हैं, सो इससे बेटर कार इस बजट में आई डोंट थिंक है। 4 गुरखा बहुत लोग कहेंगे, गुरखा बहुत अच्छी कार है, बहुत लोग कहेंगे जिमनी इज़ अ मच मोर केपेबल ऑफ रोड कार, बट मेरे को ऐसा लगता है एक प्रैक्टिकलिटी की बात करें, आपको फीचर्स भी चाहिए। आपको सिटी में 90% ऑफ द टाइम्स ड्राइव करना है, हार्डली आप पहाड़ों पर अगर 3, 4, 5 बार भी जा रहे हैं साल में, तो आपको एक ऐसी कार चाहिए जो आप 90% ऑफ द टाइम सिटी में भी चला पाएं। एंड थार रॉक्स इज़ वन सच एपिक कार जो कि आपको सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी, एंड एट द सेम टाइम जब आप पहाड़ों पे जाएंगे कहीं ना कहीं आपको ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स भी पार करने में आपको हेल्प करेगा। सो महिंद्रा थार इज़ अ ब्यूटिफुल कार, आप ले सकते हैं उसको डेफिनेटली। आपको ड्राइविंग में, इंजन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैंडलिंग में कहीं ना कहीं आपको स्टेयरिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की तरफ, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस कार में, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट चीज़ जो मेरे को एक अच्छी लगी इस कार में कि अब ये एक प्रॉपर फैमिली कार बन चुकी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स बहुत लोगों ने कार भेज दी, क्योंकि एक फैमिली कार नहीं थी, उन्होंने फैमिली कार सोच के लिया था कि 4 लोगों की फैमिली है तो आराम से उसमें थार में आ जाएगी 3-डोर थार में, बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था और उन्होंने बेच के फिर कोई सेडान ली, किसी ने कोई कार ली, किसी ने कोई कार ली। सो वो जो प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे थे वो अब नहीं होने वाली है, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल कार बन चुकी है, पीछे के दरवाजे मिल गए हैं। 4.3 मीटर्स का इसका लेंथ है, सो व्हील बेस भी 2850 mm पे आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी इस कार में वो है इसका कम्फर्ट। जिस तरीके से आगे मेरे को बकेट सीट्स होल्ड कर रही थी एंड पीछे भी जो अंडर थाई सपोर्ट था और जो सीट्स का कंफर्ट था, दैट वाज एट अनदर लेवल। मतलब जो लास्ट थार में 2 लोग भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे थे पीछे वाली सीट्स पे, क्योंकि व्हील आर्चेस जो हैं वो अंदर की तरफ आते थे और आपको कहीं ना कहीं एक अनकम्फर्टेबल यू नो फील कराते थे जब आप बैठते थे। इस कार में व्हील आर्चेस अंदर नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली 5 पीपल कैन ऑल्सो सिट इन दिस पर्टिकुलर कार, तो कंफर्ट इज़ ऑन अनदर लेवल। व्हेन महिंद्रा इज सेइंग दिस के वो एक्सयूवी के लेवल्स पे लेके आई है इस कार को, देन दे एक्चुअली मीन इट, कंफर्ट इज़ वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर कार। आपको लॉन्ग ड्राइव्स में भी ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो पुरानी थार थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, कंफर्ट नहीं होता था बिकॉज ऑफ द बैड सस्पेंशन, बिकॉज ऑफ द अनकंफर्टेबल रियर सीट्स। और एक 2 लोगों के लिए सही रहती थी कार, कि अगर आप अकेले हैं या एक किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है कार, पीछे के लिए यू नो एक मानी नहीं जाती थी कि ले भी जा सकते हैं कई लॉन्ग राइड्स पे,
बट अब पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि जो 5-डोर थार है वो आप लॉन्ग ड्राइव्स पे भी लेके जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 2-3 घंटे बाद ऑफ कोर्स जब आप ब्रेक लेंगे तो आपको थोड़ा सा यू नो इशू होगा, क्योंकि लैडर ऑन फ्रेम शैसी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता ही है एज कम्पेयर टू द मोनोकॉक शैसी, बट इट इज़ वेरी मच बेटर दैन द प्रीवियस थार। थर्ड पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो वो डेफिनेटली रहेगा इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने कहा, इस कार में आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड इंजन मिल चुका है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस थार और जो प्रीवियस महिंद्रा के यू नो डीजल इंजन हुआ करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है ये वाला इंजन। इस कार में स्पीड्स बिल्ड करना एफर्टलेस होगा, बहुत ही क्विकली ये ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे जाएगी कार, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एरोडायनामिकली इतनी यू नो ख़राब है कार, क्योंकि SUV है, इतनी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है 225 mm की, और उसके बावजूद ये इतनी जल्दी क्विक स्पीड्स को अचीव कर रही थी, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स को। सो दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कार एट दिस लेवल, और ऑफ कोर्स भारी हो गई है कार, बड़ी हो गई है, तो आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इतनी बड़ी कार और भारी कार इतनी स्मूथली और इजीली आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसका स्टेयरिंग व्हील यू नो बहुत लाइट है, तो आपको बहुत लाइट और हल्की फील होगी कार, इसका वेट फील नहीं होगा, और जिस तरीके से स्पीड्स बिल्ड करेगी वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। फोर्थ चीज़ जो मेरे को इस कार की अच्छी लगी वो था इसका बूट स्पेस। इस कार में बहुत ही एम्पल बूट स्पेस है, अगर आप 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए भी जा रहे हैं 3 से 4 लोग ट्रिप के लिए, सो इस कार में इनफ बूट स्पेस है जिसमें आप भर के अपने बैग्स, अपनी कैंपिंग का सामान वगैरह लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप छत पर भी एक यू नो कैरियर लगा के सामान रख सकते हैं, बट बूट ऑफ 644 लीटर्स इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ, आपको काफ़ी ज़्यादा रूम प्रोवाइड होगा और लगेज ले जाने में आपको कमी नहीं करनी पड़ेगी अब, क्योंकि पुरानी थार में करनी पड़ती थी। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें मेरे को इस कार में अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं थे वो मेरे को ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे फीचर्स रिक्वेस्ट सेंसर्स, जैसे एक एयर प्योरीफायर भी एक फ़ीचर है वो भी दे सकते थे, ऐसे छोटे छोटे फीचर्स जो और कार्स दे रही है इस प्राइस पॉइंट पे वो दे सकते थे। ऑफ कोर्स ये 4-व्हील ड्राइव कार दे रहे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑलरेडी दे रखे हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे और ब्रांड्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही ऐसा इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल आपको एक फील होता है कि आपको यू नो 2-4 ऐसे छोटे छोटे फीचर्स और मिल जाते तो ऑफ कोर्स ये दिल मांगे मोर, तो मोर इज़ ऑलवेज बेटर। सो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगर होता ऐड ऑन तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्टेयरिंग व्हील की, अगर इसमें एक हाइड्रोलिक स्टेयरिंग व्हील मिला होता एज द प्रीवियस थार वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो जो स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट और एक आप फील कर पाते थे that where your car is actually moving and which direction it is going, you feel more connected to the car क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा सा बेटर फील होता है ऑन रोड्स, तो वैसा स्टेयरिंग होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर। थर्ड थिंग दैट आई फील कि इस कार में इम्प्रूव हो सकती थी वो थी कि आपको एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए था कि आप इंटीरियर्स कौन से कलर में चाहते हो। बहुत लोगों को वाइट कलर अच्छा लगेगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एरी और रूम आपको ज़्यादा लगता है, लाइट कलर होता है तो कार ज़्यादा स्पेशियस फील होती है, बट आपको एक यू नो ऑप्शन दिया जाना चाहिए था। अगर बहुत लोग ऑफ रोड करने वाले हैं इस कार से, महिंद्रा को पता था, सो देव शुड हैव गिवन द ऑप्शन कि आप ब्लैक सीट्स या ब्लैक ऑल ब्लैक इंटीरियर्स के लिए भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग जो महिंद्रा को सामने से ऑफर करना चाहिए था टू द कस्टमर्स, दैट वुड हैव बीन रियली गेम चेंजर, क्योंकि बहुत लोग ऑफ रोड ही करेंगे इस कार से और बहुत लोगों को आफ्टर मार्केट पैसे खर्च के सीट्स वगैरह चेंज करवानी पड़ेंगी। सो दैट इज़ वन थिंग दैट महिंद्रा कुड हैव गिवन और ये कार काफ़ी बेटर हो जाती है उस वजह से। सो दोज वर माई थॉट्स अबाउट द महिंद्रा थार रॉक्स। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। आपके भी वैल्यूएबल फीडबैक और ओपिनियन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, क्या क्या अच्छा था, क्या क्या अच्छा नहीं था, और मैं कैसे अपना वीडियो बेटर कर सकता हूँ वो भी डेफिनेटली नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आई एम रियली क्लोज टू रीचिंग द 1000 सब्सक्राइबर मार्क, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप वो बटन दबा देंगे एंड मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचने में हेल्प करेंगे। दैट वॉज योर होस्ट श्री खट्टर टेकिंग ऑफ, बाय बाय। सनरूफ है तो उससे आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, जो पैनारोमिक सनरूफ है, बट वो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। वो व्हाइट कलर का मिल जाता है फैब्रिक,
सीट्स की बात करें तो आपको